हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग फिजिक्स का टॉप 20 क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे, जो आपका कोई भी एग्ज़ाम, चाहे आपका रेलवे हो या आपका एसएससी हो या आपका अभी जो आपका नेवी में निकला हुआ है उसमें जो आपका जनरल साइंस पूछा जाएगा वो उस एग्ज़ाम के लिए हो, सारे एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आप वीडियो को अंत तक देखिए और आप चेक कीजिए कि आपके कितने क्वेश्चन बन रहे हैं, ठीक है। तो चलिए देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। और सभी से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बगल वाले नोटिफिकेशन बेल को भी ज़रूर प्रेस कर ले, ताकि जैसे मैं वीडियो अपलोड करूँ आपके पास वो नोटिफिकेशन में तुरंत चल जाए। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, उष्मा का सबसे अच्छा चालक है। ऑप्शन देखिए, चांदी, तांबा, सोना या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? उष्मा का सबसे अच्छा चालक कौन है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? चांदी। ओके, उष्मा का सबसे अच्छा चालक कौन सा है आपका? चांदी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, किसी द्रव का उसके क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? क्वेश्चन क्या है, किसी द्रव का उसके क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऑप्शन क्या है, संघनन, हिमीकरण, वाष्पीकरण या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा? इसका सही आंसर हो जाएगा वाष्पीकरण। ओके, क्या हो जाएगा? वाष्पीकरण। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, कौन सी प्रक्रिया प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित नहीं होती है? कौन सी प्रक्रिया प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित नहीं होती है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? इसका सही आंसर हो जाएगा ध्रुवन, ठीक है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ध्रुवन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, ध्वनि नहीं गुजर सकती है। ध्वनि नहीं गुजर सकती है, तो ध्वनि किससे नहीं गुजर सकती है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? इसका सही आंसर हो जाएगा निर्वात, ठीक है। ध्वनि निर्वात से नहीं गुजर सकती है। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कि कैमरे में किस प्रकार का लेंस उपयोग में लाया जाता है? कैमरे में किस प्रकार का लेंस उपयोग में लाया जाता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तल लेंस, ठीक है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? उत्तल लेंस। कैमरे में उत्तल लेंस का उपयोग में लाया जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है, पानी से भरे तालाब की गहराई किस कारण से कम दिखाई देती है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, अपवर्तन। ओके, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अपवर्तन। अगला क्वेश्चन क्या है, प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम होती है? प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम होती है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा कांच। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कांच। प्रकाश की गति जब आपका कांच से होकर गुजरती है तो वो न्यूनतम हो जाती है। अगला क्वेश्चन है कि तरण ताल वास्तविक गहराई से कम गहरा दिखाई देता है, इसका क्या कारण है? बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? इसका सही आंसर हो जाएगा अपवर्तन, ठीक है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अपवर्तन। अगला क्वेश्चन क्या है, अतिचालक का लक्षण क्या है? अतिचालक का लक्षण क्या है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? इसका सही आंसर हो जाएगा उच्च पारगम्यता, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, उच्च पारगम्यता। अगला क्वेश्चन क्या है, एकीकृत परिपथ में प्रयुक्त अर्धचालक चिप निम्न की बनी होती है? जो एकीकृत परिपथ होता है उसमें प्रयुक्त जो अर्धचालक चिप होता है वो किसकी बनी होती है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, सिलिकॉन। इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, सिलिकॉन।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, डेनमार्क को कहा जाता है तो किसको कहा जाता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा पवनों का देश। जो पवनों का देश है उसको हम लोग डेनमार्क कहते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर पूछा गया है कि कार्य का मात्रक है, कार्य का मात्रक क्या है? तो कार्य का क्या मात्रक है, सभी को पता है कार्य का मात्रक है आपका जूल। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, जूल। अगला क्वेश्चन क्या है, ज्योति तीव्रता का मात्रक है, यहाँ पर क्या पूछा गया है, ज्योति तीव्रता का मात्रक। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, इसका सही आंसर हो जाएगा कैंडेला। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा कैंडेला। अगला क्वेश्चन, एम्पियर क्या नापने की इकाई है? क्वेश्चन क्या है, एम्पियर क्या नापने की इकाई है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, इसका सही आंसर हो जाएगा करंट। ठीक है, करंट का जो SI यूनिट होता है वो आपका एम्पियर होता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, करंट। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कि पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जा सकती है? ठीक है, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, द्रव्यमान। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, द्रव्यमान। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक प्रत्यास्थ है? निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक प्रत्यास्थ है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, स्टील। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कि दूध से क्रीम निकालने में कौन सा बल लगता है? दूध से क्रीम निकालने में कौन सा बल लगता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, अपकेंद्रीय बल। ठीक है, अपकेंद्रीय बल, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, अपकेंद्रीय बल। अगला क्वेश्चन, जल में तैरना न्यूटन की गति का किस नियम के कारण संभव है? जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, तृतीय नियम। जो न्यूटन का आपका थर्ड नियम था उसी के कारण हम लोग जल में तैर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि लोहे की सुई पानी की सतह पर तैरती है, इस परिघटना का कारण क्या है? लोहे की सुई पानी की सतह पर तैरती है, इस परिघटना का कारण क्या है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, इसका सही आंसर हो जाएगा पृष्ठ तनाव। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, पृष्ठ तनाव। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कि बिजली के पंखे की गति बदलने के लिए प्रयुक्त साधन है। क्वेश्चन क्या है, बिजली के पंखे की गति बदलने के लिए प्रयुक्त साधन है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, रेगुलेटर। रेगुलेटर के द्वारा हम लोग जो बिजली का पंखा है उसके गति को हम लोग चेंज करते हैं, ये सभी को पता है, सबके घर में यूज होता है। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन एक अचुंबकीय पदार्थ है, मतलब कौन सा एक अचुंबकीय पदार्थ है? ठीक है, जिससे चुंबक नहीं बनाया जा सकता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, इसका सही आंसर हो जाएगा पीतल। ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, पीतल। जो पीतल है आपका वो अचुंबकीय पदार्थ है। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक पदार्थ चुंबकीय है? यहाँ पर पूछा है कि आपका कौन सा पदार्थ अब चुंबकीय पदार्थ है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, निकेल। ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, निकेल। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि कूलिज नलिका का प्रयोग क्या उत्पन्न करने के लिए किया जाता है? ठीक है, क्वेश्चन है कूलिज नलिका का प्रयोग क्या उत्पन्न करने के लिए किया जाता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका एक्स किरणें, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, एक्स किरणें। जो कूलिज नलिका है उसका प्रयोग क्या उत्पन्न करने के लिए किया जाता है, एक्स किरणें। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छा लगा तो फ्रेंड वीडियो को लाइक कीजिए और
चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, और इसी तरह आपको रेगुलर वीडियो मिलती रहती है, स्टडी मटेरियल प्रोवाइड की जाती है। इसके लिए आप चाहे तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम में आप सिंपल सा दास अकेडमी सर्च कीजिएगा, वहाँ आपको चैनल मिल जाएगा, तो वहाँ से भी आप ज्वाइन हो जाइए। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद सभी को।